Hey guys, this is Manisha Singh. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well and good and आपकी preparation भी काफी अच्छे से चल रही होगी. Friends, लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक जबरदस्त job की update जो कि direct निकल के आ रहा है पटना हाई कोर्ट की तरफ से स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2023 के लिए. ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ग्रुप सी की पोस्ट है, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं. सभी के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि सिलेक्शन बहुत इजी है एंड बिना मैथ्स का इसका पेपर होने वाला है. तो आगे आज इस वीडियो में मैं डिटेल वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सारा कुछ बताने वाली हूँ. एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, इनिशियली आपको इनहैंड सैलरी क्या दिया जाएगा. तो अगर आप भी इस जॉब रिक्रूटमेंट को लेकर अगर थोड़े से भी सीरियस हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना. तो चलो हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. सबसे पहले आपको बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे 51 रहने वाला है, मतलब कि टोटल 51 ही सीट पे आपकी ये वैकेंसी आई है. आई नो कि वैकेंसी बहुत कम है बट आपको तो बस एक सीट से मतलब है. तो चलिए हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले बता दूं कि कैटेगरी वाइज सीट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. जनरल के लिए 6 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, बीसी के लिए 8 है, ईबीसी के लिए 15, एससी के लिए 19 और एसटी के लिए 2 सीट्स रखा गया है. और आपको पता है कि सारे स्टेट गवर्नमेंट का ना सीट रिजर्वेशन अलग अलग होता है. तो बिहार के लिए आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका एससी का 16% है, एसटी का 1%, ईबीसी का 18%, बीसी का 12%, ईडब्ल्यूएस का 10%, वीमेन के लिए 35%, ओएच यानी कि आपका जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए 4%. मतलब ये सीट रिजर्वेशन की मैं बात कर रही हूँ. तो चलो बता देती हूँ इम्पॉर्टेंट डेट क्या रहने वाला है. तो आपका फॉर्म जो है ऑलरेडी स्टार्टेड है 3rd of August 2023 से एंड लास्ट डेट टू अप्लाई आपका 23rd of August 2023 रहने वाला है. सो आपको 23rd का वेट नहीं करना है, आपको जैसे कि जितना जल्दी हो सके फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो ये आपके लिए बेटर रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि बाद में ना सर्वर इशू की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है. तो क्यों ना जब मुझे फॉर्म अप्लाई करना है तो मैं जल्द से जल्द कर दूँ, लास्ट डेट का वेट क्या ही करना. फॉर्म की फ़ी यहाँ पे थोड़ी सी हाई रखी गई है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 1100 रुपीज़, एससी एसटी वालों से 550 रुपीज़. मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा ही फॉर्म का फ़ी लगता है. जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही समझा आपने, बिहार के हर फॉर्म में ना चार्जेस एकदम भड़ भड़ के लिए जाते हैं. आई डोंट नो वाई बट ऐसा होता है. सो कोई नहीं, अगर फॉर्म अप्लाई करना है तो फ़ी तो आपको देना ही पड़ेगा. अब बता दूं आपको कि एज लिमिट आपका कब से कैलकुलेट होने वाला है. तो योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1st January 2023. मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम एज 37 ईयर्स है आपको मेल कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी वालों के लिए. मैक्सिमम एज फीमेल्स के लिए 40 ईयर्स जनरल कैंडिडेट्स का. अदर कैटेगरी को रिलैक्सेशन दिया जाता है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे. और अगर उसे देखने में दिक्कतें आए फ्रेंड्स तो उसका जो नोटिफिकेशन रहेगा ऑफिशियल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी, आप वहाँ जा करके इसको देख लेना. यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्लियरली बताया गया है कि जिन कैंडिडेट्स का बर्थ जो है आपको 1st January 2005 के पहले हुआ है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे. तो चलो एक चीज़ तो अच्छा है कि क्लियर कर दिया गया है कि उस डेट ऑफ बर्थ के बाद वाले फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं. सो नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है. ये सारा कुछ समझने के बाद अगर आप एलिजिबल ही नहीं हो तो क्या फ़ायदा इतने तक आपको वीडियो देखने का. तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कि 10+2 पास आउट होने चाहिए आप, साथ ही साथ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड 80 words per minute का, इंग्लिश टाइपिंग का भी सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए 40 words per minute का.
मतलब कि सिर्फ आपको टाइपिंग आती है या शॉर्ट हैंड आती है उससे काम नहीं चलेगा, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप 10+2 पास आउट होने चाहिए, साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको 6 मंथ का कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब कि जैसे आप समझ रहे होंगे कि DCA ADCA वगैरह करते ना, वैसे ही कंप्यूटर के बहुत सारे जो है कोर्सेज होता है जिसमें आपको डिग्री मिलता है, तो वो डिग्री आपको एटलीस्ट 6 मंथ का तो होना ही चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो आपका सिलेक्शन मेजर जो है 2 स्टेज पे डिपेंडेबल रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो रिटेन पेपर होता है ऑफलाइन उसके ऊपर, देन आपका जो इंग्लिश टाइपिंग यानी स्किल टेस्ट होता है ना, जिसमें आपका शॉर्ट हैंड और टाइपिंग दोनों मिला करके होगा। उसके बाद जैसा कि हर जॉब में होता है सिंपल सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस मेडिकल होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आप सभी को एग्ज़ाम की पैटर्न एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपका जो ये एग्ज़ाम होता है ये रिटेन एग्ज़ाम होता है, मतलब ऑफलाइन पेन एंड पेपर बेस्ड होगा। आपको ओवरऑल 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए रहेंगे एंड यहाँ पे आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। मतलब कि टाइमिंग वगैरह अभी कुछ क्लियरली आपको नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया है, बस इतना बताया गया कि आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से इंग्लिश के 30 क्वेश्चन बेसिक कंप्यूटर साइंस के 20 क्वेश्चन ओवरऑल 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए रहेगा। इसको आप अगर क्वालिफाई कर लेंगे देन होता है आपका स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट में फ्रेंड्स आपका जो है सबसे पहले तो होगा इंग्लिश टाइपिंग जो कि 40 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड होना चाहिए, शॉर्ट हैंड होगा साथ ही साथ उसमें आपका 320 वर्ड्स का, जिसमें शॉर्ट हैंड के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड होना चाहिए, ये आपका 4 मिनट में ये कंडक्ट कराया जाएगा। इसको क्वालिफाई करने के बाद होता है आपका इंटरव्यू देन DV प्लस सिंपल जो आपका मेडिकल होता है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कि आपको क्या क्या क्वालिफाइंग परसेंटेज चाहिए, रिटेन में कितना होना चाहिए, इंटरव्यू का क्या है, सब बता देती हूँ अभी आपको। मतलब कि आपको एटलीस्ट 40% रिटेन एग्जाम में आपको मार्क्स लाना है, 85% एक्यूरेसी आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग में होना चाहिए, 90% एक्यूरेसी आपको इंग्लिश टाइपिंग में होना चाहिए, 30% एटलीस्ट आपको क्वालिफाइंग मार्क्स इंटरव्यू में होना चाहिए, तभी जाके आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है। तो उसमें नाम आने के बाद फ्रेंड्स आपका जो है जॉब अलोकेशन हो जाता है। तो आपका जॉब लोकेशन तो बिहार ही रहने वाला, वो भी पटना रहेगा बिहार में, क्योंकि आपको ये पटना हाई कोर्ट का जॉब है तो पटना में ही रहेगा। अब बारी आती है आपकी इनिशियल इनहैंस सैलरी। तो फ्रेंड्स ये आपको हाई कोर्ट का जॉब है, लेवल 4 का सैलरी मिलेगा, 25,500 से स्टार्टिंग होती है और बाद में इंक्रीमेंट वगैरह होके 81,100 आपकी सैलरी हो जाती है। मतलब कि एनुअल CTC आपका 3,06,000 से स्टार्टिंग होती है और जब आप रिटायर होते हैं उस टाइम तक आपका 9,60,000 पर ईयर की जो है सैलरी रहती है। एग्जाम सेंटर आपको क्लियरली मेंशन्ड है कि पटना में ही रहने वाला है। सो फ्रेंड्स आई होप कि मैंने जो भी डिटेल आपको बताया है वो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग। और अगर उसे समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत है फ्रेंड्स तो हेजिटेट नहीं करना है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। अदरवाइज अगर और भी ज़्यादा आप मुझसे डिटेल में जानना चाहते हो, कुछ जुड़ना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर लो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। तो मिलती हूँ कल फिर से नई जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।